अभी से नियत करो कि पहले हम अपना इल्म दुरुस्त करें, इल्म दुरुस्त हो और फिर उस इल्म के मुताबिक अमल करना सीखें, तो वो है तालीम। सिर्फ इल्म देना वो तालीम है, और उस इल्म को सीख कर अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करना ये तरबियत है। तो हमारे इदारों का, मदारिस का और खास तौर पर हमारे दारुल उलूम का जो मकसद है सिर्फ इल्म सिखाना नहीं है, बल्कि साथ साथ तरबियत करना भी, साथ साथ ऐसा माहौल पैदा करना भी है जहाँ एक खुशगवार इत्तबाए सुन्नत का माहौल हो, जहाँ हर आदमी दूसरे के तर्ज अमल से सीखे और ऐसा माहौल पैदा हो कि जिसके नतीजे में सब मुत्तबे सुन्नत हो। अगर ये नहीं है, पढ़ के तुमने चाहे मुमताज दर्जा हासिल कर लिया, पोजीशन ले ली, लेकिन तुम्हारा अमल अभी तक ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी नमाजें दुरुस्त नहीं हो रही, तुम जमात में पाबंदी के साथ हाजिरी का एहतमाम नहीं कर रहे, क्या है इल्म? खाक है वो इल्म जो इंसान को नमाज तक दुरुस्त न करा सके। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने तमाम उम्माले हुकूमत को, आदि इस दुनिया पर हुकूमत थी, हर आमिल हर गवर्नर को ये पैगाम लिखा था, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है, कि ये फरमाया था कि इन्ना अहम उमूरी इंदकुम अहम अमरिकुम इंदिया सलाह, तुम्हारे सारे कामों में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी मेरे नजदीक नमाज है। ये नहीं कहा कि तुम अपने दफ्तर का नजम दुरुस्त करो, ये नहीं कहा कि तुम फला फला इंतजामी सलाहियतें पैदा करो, अहम उमूरिकुम इंदी असला, तुम माल से गवर्नरों से खिताब करके फरमा रहे हैं कि मेरे नजदीक तुम्हारे सारे कामों में सबसे अहम काम नमाज है। फमन हफिजहा व हाफिजा अलैहा हाफज आला दीनी, जो इस नमाज की इबादत कर लेगा और नमाज की पाबंदी करेगा तो फिर वो अपने दीन को भी महफूज कर लेगा। वो मन गया बहु अलिमा सिबाहा अगया, और जो इस नमाज को जाया कर देगा तो वो दूसरे कामों का उससे ज्यादा बर्बाद करने वाला होगा। ये ना समझे कि मैं तो बहुत आला काम कर रहा हूँ, मैं सबक में भी अव्वल आता हूँ, मैं अपने पढ़ाने के अंदर भी अव्वल आता हूँ, मेरी तदरीस भी अच्छी है, मेरा पढ़ना भी अच्छा है और मेरा इंतजामी सलाहियतें भी मेरे अंदर बहुत आए, कोई चीज कोई हकीकत नहीं उन दूसरे कामों की जो नमाज को जाया करके हासिल किए जाए। फमन गया वह सिवाहा अज़िया, ये कौन कह रहा है? वो जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, वो कह रहा है कि अगर तुमने नमाज को जाया कर दिया तो बाकी चीजें तुम्हारी उससे ज्यादा बर्बाद होंगी। तो अगर हमने आपने यहाँ इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो जारी किया और नमाजें हमारी बेरौनक रही, मस्जिदें हमारी बेरौनक रही, हमें इस बात का एहसास ना हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात की क्या ताकीद फरमाई है कि मैं अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी इमाम को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और दूसरे लोगों के घरों में जाकर देखूं जो घरों में बैठे हैं और जमात में हाजिर नहीं होते, उनके घरों को आग लगा दूं, तो वो कैसा तालिब इल्म है भाई, जो पढ़ने में तो बहुत आला है लेकिन नमाज के अंदर वो हाजिर नहीं होता, या होता है तो कसमसाता हुआ होता है, इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जो खड़ा होता है नमाज में और तादील अरकान नहीं करता, जो सही तरीके से रुकू सही तरीके से सजदा नहीं करता, इस तरह नमाज पढ़ता है कि जैसे अपने किसी तरह सर से बोझ उतारूं इसको, खत्म करूं इसको। अगर वही हालत तुम्हारी रहती है ये इल्म दीन हासिल करने के बाद भी, क्या फायदा उस इल्म दीन का, क्या फायदा उस मनसब का जो तुम्हें हासिल हो गया अगर तुम ये काम करने में कासिर हो। तो मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, तरबियत लेना। क्या वजह है हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मदारिस थे हमारे, जिन जो हमारे दर हकीकत कहना चाहिए कि हमारे लिए मिसाल राह है, मुजाहरे उलूम देवबंद में तलबा पर इस बात पर मुआखजा होता था कि तुम मसबूक क्यों बने, नमाज में आ गया लेकिन रकतें छूट गईं, एक दो तीन रकतें छूट गईं, मसबूक बन गया, उस पर मुआखजा होता था, उस पर गिरफ्त होती थी, क्यों? ठीक है कोई उजर पेश आ जाए, अल्लाह ताला ने आजार में लोगों को रुख्सत दी है, वो बेशक अपनी जगह है, लेकिन तीन तीन चार चार सफे मसबूकीन की, चार चार पांच पांच सफे मसबूकीन की, इसका कोई जवाब नहीं। लिहाजा या तो भाई छोड़ दो इस मशगले को, छोड़ दो इस नाम लेना ही छोड़ दो कि हम दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं या दीन का इल्म पढ़ा रहे हैं, छोड़ दो इसको, लेकिन अगर ये नाम लिया है तो फिर वो तरीका इख्तियार करना होगा जो इल्म दीन के पढ़ने और पढ़ाने का सही तरीका है, जो हमने अपने अपने अकाबिर से वर्से में पाया है, वो तरीका इख्तियार करना होगा। या मकुन बा पील बाना दोस्ती, या बिना कुन खान अबर अंदाजे पील, या तो पील बानों से दोस्ती ना करो या अपना घर भी उसी तरह बनाओ जैसे कि वो बनाते हैं। तो अगर तुम इल्म दीन का नाम लेकर आए हो, इल्म दीन हासिल करने के लिए आए
रहे हो तो फिर उसी तरह का अपने आप को बनाना होगा, उसी की तरह की शख्सियत तैयार करनी होगी, उसी तरह के आमाल अपनाने होंगे, उसी तरह के आदाब और अखलाक अपनाने होंगे, जिनमें अहम तरीन नमाज। तो मेरे भाइयों, आप सब को मैं जो आए हैं, चाहे वो कदीम हो या जदीद, तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आपके आने पर आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और खुशी का भी इजहार करता हूँ। लेकिन ये खुशी मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि आप में से हर हर फर्द इस बात का अहद न करे कि मैं यहाँ पर सिर्फ दीन पढ़ने नहीं आया, दीन सीखने के लिए आया।